देखिए आज हम आपको मलाई पनीर की रेसिपी बनाकर दिखाएंगे, काजू वाली, जो मिनटों में बन जाती है और बहुत टेस्टी लगती है खाने में। देखिए किस तरह से बनाई जाती है। तो देखिए इसकी ग्रेवी देख सकते हैं कितनी गाढ़ी है, और देखिए कितना कलर अच्छा है, देखिए कितनी टेस्टी बनी है। चलिए आज बना के दिखाते हैं हम आपको। और दोस्तों कंसल रसोई में आपका स्वागत है। आज हम न्यूयॉर्क में आपको मलाई पनीर की रेसिपी बनाकर दिखाएंगे। ये हमने 3 टमाटर ले लिए हैं, इन्हें मोटा मोटा कट कर लिया है। ये हमने हरी मिर्च ले ली है, इनको भी हमने काट लिया है। ये अदरक ले लिया है, इसे कद्दूकस कर लिया है, आप मोटा मोटा भी काट सकते हैं। ये हमने 7-8 काजू ले लिए हैं, इनको हमने खोल लिया है। डबल वाले काजू थे हमारे, साबुत वाले। ये जार ले लिया है, जार में हम टमाटर को डाल देंगे और इन्हें ग्राइंड करेंगे। इसमें काजू भी ऐड कर देंगे, आप इसमें बादाम भी डाल सकते हैं। इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे। देखिए हमने टमाटर ग्राइंड कर लिए हैं, देखिए हमारी प्यूरी तैयार हो गई टमाटर की। ये हमने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, कढ़ाई रख दी है, आंच हमने धीमी रखी है। इसमें आधी चम्मच जीरा डालेंगे, एक चुटकी हींग डालेंगे। देखिए जीरे को हम लाल होने देंगे, चटकने देंगे अच्छे से। इसमें इलायची डाल देंगे, हमने कूट ली है, इससे अच्छा टेस्ट आता है। इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये हमने धनिया ले लिया है पाउडर 1.5 चम्मच, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले लिया है, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर ले लिया है। इनको मसाले को डाल देंगे। मसाले हमारे अच्छे से लाल भुन गए हैं, बिल्कुल आप धीमी रखनी है, तेज रखोगे तो आपके मसाले जल जाएंगे। और इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। टमाटर को अच्छे से भूनेंगे, देखिए टमाटर को हम अच्छे से भूनेंगे और उसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, हमने 1 चम्मच नमक डाल दिया है इसमें। धीरे धीरे मसाले को अच्छे से भून लिया थे हमने, अब टमाटर को भी बहुत अच्छे से भूनेंगे, बिल्कुल गाढ़ा तैयार कर लेंगे ना। मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं, देखिए ऑयल भी छोड़ गया है। अब इसमें हम 1 कप मलाई डालेंगे, ये हमारे 50 ग्राम मलाई है, ये हमारी ताजी 2 दिन की मलाई है। आप इसमें फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन हम मलाई की बना रहे हैं सब्जी, तो इसमें मलाई ऐड करेंगे। देखिए अब इतना पकाएंगे इन्हें कि जब तक गाढ़ी हो जाएगी हमारी। देखिए इतने हमारी मलाई वाली प्यूरी तैयार हो रही है, देखिए इतनी प्यूरी पक रही है। इसमें हम पनीर को कट करेंगे, ये हमारा 250 ग्राम पनीर है, इसको हम काटेंगे। देखिए साइज में हम पनीर को काट लेंगे। देखिए आप कोई भी साइज में काट सकते हैं। इस साइज में पनीर को कट करेंगे, बीच में से लंबा इस तरह से काट लेंगे। हमारा पनीर कट के तैयार हो गया है, देखिए हमारी प्यूरी भी तैयार हो गई है, देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है, ऑयल भी देखिए कितना छोड़ दिया है, कलर देखिए कितना अच्छा है। ये मलाई पनीर हल्का सा मीठा अच्छा लगता है, इसलिए 1/2 चम्मच हम चीनी ऐड करेंगे इसमें मीठेपन के लिए। देखिए हमारी प्यूरी कितनी अच्छे से तैयार हो गई, इसमें 1 कटोरी हम पानी ऐड करेंगे। अब ये मलाई पनीर मीठा मीठा सा और बहुत टेस्टी लगता है, आप इस तरह से बनाकर जरूर देखें हमारे तरीके से। देखिए मलाई पनीर हमारा अच्छे से पक गया है, इसके अंदर हम पनीर डाल देंगे। इसके अंदर हम गरम मसाला ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच। इसके अंदर हम कसूरी मेथी डालेंगे, हाथ अच्छे क्रश करके। देखिए हमारी मलाई पनीर काजू वाली सब्जी रेडी है। आपने इसका स्वाद एक बार बना के खा लिया तो आप भूलेंगे नहीं। इसे 1 मिनट पका के हम गैस ऑफ कर देंगे, हमारी सब्जी तैयार है। मलाई पनीर काजू वाली हमारी बनके तैयार है, ऊपर से हम धनिया से गार्निश करेंगे।
देखिए कितनी टेस्टी बनी है, ना ही ज्यादा मसाले हैं ना ही कुछ, इतनी टेस्टी लगती है ये। एक बार इसे खाएंगे आप इसका स्वाद जीभ से भूल नहीं पाएंगे। और देखिए इस तरह से हमारा तरीका आपको अच्छा लगा है तो इस तरह से बनाकर देखिए किस तरह से बनाई जाती है। सबको खिलाएं, हमारी वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, नए नए हमारी वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।